गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सहकर्मी प्रश्न पोषण का अर्थ व महत्व, यानी कि मीनिंग ऑफ पीयर फीडबैक। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सहकर्मी प्रश्न पोषण। कि सहकर्मी प्रश्न पोषण क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने कि हमारे प्रश्न पोषण कौन कौन से होते हैं, अर्थात उनके प्रकारों के बारे में, प्रश्न पोषण किस किस को प्रदान किया जाता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था कि छात्र शिक्षक को प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं और शिक्षक छात्र को, साथ में हम अभिभावक को भी प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं और अभिभावक भी शिक्षक को प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं। इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सहकर्मी प्रश्न पोषण, अर्थात सहकर्मी यानी कि साथ साथ पढ़ने वाले। यहाँ सहकर्मी में हम पढ़ेंगे कि सहकर्मी का अर्थ क्या होता है, साथ में हम ये जानेंगे कि सहकर्मी प्रश्न पोषण का क्या महत्व होता है। हम जानते हैं कि जब हम साथ में छात्र आपस में जब क्लासमेट साथ पढ़ते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के लिए भी फीडबैक अनिवार्य होता है, और कहा जाता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में हमारे फीडबैक का तो अहम हिस्सा होता है, क्योंकि संप्रेषण में बिना फीडबैक के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हम देखते हैं फीडबैक के द्वारा ही हमें क्या पता चलता है, हमारे कमी के बारे में पता चलते हैं, साथ में हमारे कौन से उसमें गुण है, कौन से उनमें दोष है, अर्थात हमारी कमी भी पता चलती है और हमारी जो हमने किस मेथड से कितने अच्छे ढंग से पढ़ाई की ये भी हमारा पता चलता है, यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों हमें फीडबैक के माध्यम से पता चलती है। तो यहाँ जो हम सहकर्मी प्रश्न पोषण पढ़ रहे हैं, यह सहकर्मी प्रश्न पोषण भी हमारे क्या है, एक संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए सबसे अहम फीडबैक है, जिसमें क्या करते हैं अधिगमकर्ता जो अपने साथ के, अधिगमकर्ता कौन हो गया, यहाँ पर छात्र हो गया, यानी कि अधिगमकर्ता अपने साथ के जो साथी हैं उनका क्या करते हैं, वो फीडबैक प्रदान करते हैं उनको, वो अपना कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, उनका प्रदर्शन यानी कि उन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन प्रश्न पोषण दिया जाता है। किसके लिए, प्रदर्शन के लिए, किसको दिया जाता है, अधिगमकर्ता को, और कौन देता है, जो उनके साथी होते हैं अधिगमकर्ता के, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया प्रक्रिया जिसमें जिसमें अधिगमकर्ता को अपने साथी द्वारा प्रदर्शन के लिए दिया गया प्रश्न पोषण क्या कहलाता है, हमारा सहकर्मी प्रश्न पोषण, यानी कि इसमें क्या होता है, अधिगमकर्ता को अपने साथी के द्वारा उसके प्रदर्शन के लिए फीडबैक दिया जाता है कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन किस तरीके का किया है, उनके प्रदर्शन में क्या कमी रही है, कौन से उसमें सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके द्वारा उन्होंने प्रदर्शन किया, यानी कि हम यहाँ हमारी कमी और हमारी बुराई, कहा जाता है ना कि हमारे जो साथी होते हैं वो हमारे अंदर हमारी कमी का ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथी होते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई बच्चों में यह स्वयं मूल्यांकन की बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, या हम कहें कि हमारे अंदर जो बुराइयां निकालते हैं उसे बुराई के द्वारा हम हमारे प्रदर्शन में और अच्छा सुधार कर सकते हैं। हम उस कमी को हम नेगेटिव ना लेकर हम उसको जो पॉजिटिव लेंगे,
सकारात्मक रूप देंगे तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमारे प्रदर्शन में पाई जाने वाली कमी को हम दूर कर सकते हैं। साथ में कहते हैं कि जो हमारा ये सहकर्मी पृष्ठपोषण है, सहकर्मी पृष्ठपोषण को हम जो दूसरा नाम दे सकते हैं वो है हमारा सहयोगात्मक अधिगम का एक रूप कहलाता है, या हम इसे सहकर्मी प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। सहकर्मी प्रतिक्रिया कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि इसमें उनके साथ में जो सहयोग कर रहे हैं वो कौन है, उनके सहकर्मी जो उनका सहयोग करते हैं, तो हम इसको सहयोगात्मक अधिगम भी कह सकते हैं और सहकर्मी प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सहकर्मी होते हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथी, वो ही हमारे प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अर्थात अपने विचारों का उल्लेख करते हैं, वो अपने विचार हमें प्रस्तुत करते हैं कि हमने किस तरीके का प्रदर्शन किया। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, सहकर्मी प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं और साथ में ये हमारे जहाँ संप्रेषण अधिगम का एक हिस्सा होता है तो इसे हम सहयोगात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सहकर्मी प्रतिक्रिया का अर्थ है। साथ में हम देखते हैं कि जो हमारे सहकर्मी क्या करते हैं, सहकर्मी प्रतिक्रिया या सहकर्मी समीक्षा, क्योंकि जब हमारा यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है तो फीडबैक किसके माध्यम से दिया जाता है, जब वो हमारी समीक्षा करते हैं, हमारा पूरा प्रेजेंटेशन देखते हैं, हमारा प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण देखते हैं, उसके बाद में वो अपनी समीक्षा प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो जहाँ इसका सहकर्मी प्रश्नपोषण है उसके साथ में इसके तीन नाम दे दिए गए हैं, सहकर्मी प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक अधिगम और सहकर्मी समीक्षा। इन नामों से भी हम इस प्रश्नपोषण को जान सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सहकर्मी हमें हमारी यानी कि उस प्रदर्शन के प्रति वो अपनी समीक्षा देते हैं, अपने विचार देते हैं, अपने प्रतिक्रियाएं देते हैं और साथ में ये एक सहयोगात्मक अधिगम भी कहते हैं, क्योंकि जिस अधिगम को करवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है जिस छात्र के द्वारा, वो छात्र कौन है, एक दूसरे छात्र का सहयोग करने वाले। तो यहाँ पर जब छात्र दूसरे छात्र की कमी निकाल रहा है अपने साथी की, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि वो कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो सहयोग नहीं करता तो वो उसकी कमी नहीं निकलता। तो ये एक सहयोगात्मक अधिगम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षक हमारी जो कमियां होती है, हम शिक्षक की कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि छात्र के तो ये जो क्लासमेट होते हैं वो साथी होते हैं, इसलिए वो साथ साथ अधिगम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, लेकिन हम यही क्रिया हम शिक्षक के साथ नहीं कर सकते। तो ये जो सहकर्मी प्रश्नपोषण होता है ये किसके साथ होता है, जो छात्र एक साथी दूसरे साथी के प्रदर्शन के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपनी समीक्षा देते हैं, ये हमारा सहकर्मी प्रश्नपोषण कहलाता है। अब हम सहकर्मी प्रश्नपोषण का एग्जांपल ले सकते हैं कि सहकर्मी प्रश्नपोषण का क्या होता है। हम देखते हैं स्व आकलन का जो परिणाम आता है, ये इसका एग्जांपल है। कौन सा, स्व आकलन, जिसमें क्या होता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, जिनके अंदर यानी हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके अंदर एक क्षमता पाई जाती है, और स्व आकलन की क्षमता जिस विद्यार्थी के अंदर होती है, वह विद्यार्थी हम अपने से दूसरे साथी का बहुत ही अच्छे से उनका फीडबैक दे सकता है, क्योंकि स्व आकलन के द्वारा हम उनकी कमियां और उनकी अच्छाइयां दोनों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है स्व आकलन, जिसको शोका आकलन करना आता है, वो
वो दूसरों का आकलन भी अच्छा करेगा। इसके आकलन से जो परिणाम मिलता है, हम जब आलोचना करते हैं, वो आलोचना जब हम एक दूसरे का हमारा दृष्टिकोण हम देखें तो वो आलोचना ही नहीं होती है, हमारे प्रदर्शन में जो कमियां होती हैं छोटी छोटी, उस कमी को हम दोबारा ना दोहराएं, इसीलिए हमारी वो आलोचना की जाती है। तो इसमें ये चीज किसके अंदर पाई जाती है, जो स्व आकलन करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि जिसका एग्जाम्पल है स्व आकलन के द्वारा, हम इस प्रदर्शन में, इस फीडबैक में हम उस बच्चे की जो कमियां होती है एक साथी अपने दूसरे साथी की निकाल सकता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर महत्व कि इसके क्या क्या महत्व होते हैं, किसके, हमारे पीयर फीडबैक के यानी कि सहकर्मी प्रश्न पोषण के महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ द पीयर यानी कि इम्पोर्टेंसी, क्या इम्पोर्टेंसी होती है इसकी, इम्पोर्टेंसी हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंसी क्या है। तो सबसे पहला जो इसका महत्व है वो होता है कि सहकर्मी प्रश्न पोषण छात्रों व शिक्षक दोनों को और अधिक अधिगम हेतु प्रेरित करते हैं, छात्र और शिक्षक को और अच्छा अधिगम, अच्छा लिख सकते हैं यहां, अच्छा अधिगम करवाने हेतु प्रेरित करता है यानी कि वो उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हम किस तरीके से अच्छा कार्य कर सकते हैं, उन्हें वो प्रेरणा प्रदान करते हैं, प्रेरित करता है। कौन करता है, हमारा सहकर्मी प्रश्न पोषण, क्योंकि शिक्षक के भी सहकर्मी होते हैं, वो उनकी कमियां बता सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनके जो पढ़ाने का तरीका है उसके प्रति वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। सेकंड है हमारा छात्र एवं शिक्षकों के वैज्ञानिक ज्ञान में सुधार करता है, यानी कि किस तरीके से उन्हें छात्र एवं शिक्षक को किस तरीके से, यानी कि हम जो भी अपना परिवर्तन करते हैं आज के टाइम पर, हम किस ढंग से करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से, यानी कि आज का युग जो है हमारा वो कौन सा युग है, आधुनिक युग हमारा आज तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में आगे है, तो वही हमारे वैज्ञानिक ज्ञान में सुधार भी करता है। छात्र व शिक्षक के वैज्ञानिक ज्ञान में सुधार करता है। कौन करता है, हमारा सहकर्मी प्रश्न पोषण। फिर आता है हमारा कि जो हम अन्य तरीकों से हमें प्रश्न पोषण की अपेक्षा क्या होता है, हमारा समय जो होता है वो प्रभावी रहता है, यानी कि यहाँ हम जब फीडबैक दे रहे हैं तो यहाँ हमारे समय की बचत होती है, यानी कि समय प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमने पढ़ा है एक नाम यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि ये सहयोग करने वाला है, साथ साथ फीडबैक देने वाला है। तो जहाँ हम और फीडबैक देते हैं, हमने देखा है कि शिक्षक छात्र को फीडबैक देते हैं जब वो अपनी टीचिंग खत्म कर देते हैं, यानी अधिगम कार्य फिनिश कर देते हैं। साथ में हमने जो यहाँ देखा वो नाम ही हमारा क्या है, सहकर्मी प्रश्न पोषण। तो यहाँ पर समय प्रभावित नहीं होता, हम उसी समय उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर बच्चों को फीडबैक देते हैं, यानी कि एक छात्र अपने सहकर्मी को, शिक्षक अपने सहकर्मी को, वो आपस में हमारा फीडबैक हमें तुरंत मिलता है। तो तुरंत मिलने से क्या होता है, हमारा यहाँ पर समय प्रभावित नहीं होता। साथ में आता है हमारे कि छात्रों और शिक्षकों की जो दूसरे की सफलता असफलता किस पर, किसके अवसर मिलते हैं, सफलता व असफलता में सीखने का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि सफलता व असफलता को सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं,
हैं, क्योंकि जो हमारी कमी होती है वो कमी तो हमें बता दी जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उस असफलता से हम सफलता की ओर, यानी कि किस तरीके से हमें सफलता प्राप्त होगी, उसे सफलता को सीखने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सफलता किस तरीके से प्राप्त करनी है, इसके लिए छात्र प्रेरित करते हैं, सहकर्मी अपने दूसरे साथी को इसके लिए प्रेरित करती है कि जो हमारा मार्ग, जिस कारण हमें असफलता प्राप्त हो, हमें वो उसको जो हमारा पॉइंट होता है उसे हटा दिया जाता है और हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और साथ में हमें किस तरीके से हमें सफलता प्राप्त करती है, यानी कि हमें हमारी सफलता दिलाने के लिए भी हमारे साथी, हमारे सहकर्मी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमने देखा है कई बार हम जैसे संगति में रहते हैं, जैसे हमारे मित्र होते हैं, उनकी कुछ जो गुण होते हैं, कुछ कोई दोष होते हैं, वो हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमारे मित्रगण अगर अच्छे होते हैं, सहकर्मी को उसका ज्ञान होता है, तो निश्चित रूप से हमारे जो असफलता के कारण होते हैं, उस असफलता के कारण को दूर कर दिया जाता है और हम सफलता को सीखने के लिए आगे की ओर अग्रसित होते हैं। साथ में ये एक अत्यधिक विश्वसनीय होता है। कैसा होता है? अत्यधिक विश्वसनीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ये चीज मानते हैं कि हमारे सहकर्मी यानी कि हमारे साथी हमारी कमी जरूर बताएंगे, यानी कि हमें उन पर विश्वास होता है, इसीलिए ये विश्वसनीय होती है। और साथ में जहाँ ये साथ साथ चलती है सहयोगात्मक अधिगम के, तो हमारे अंदर जो कमी पाई जाती है उस कमी के बारे में हमें तुरंत पता चल जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा था सहकर्मी प्रश्नपोषण का अर्थ एवं महत्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सहकर्मी अधिगम से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं और साथ में हम जाने तो इसमें गुण यानी कौन कौन से इसके लाभ है, कौन कौन से इससे हानियां हैं, इनकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।